स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूँ आपके साथ दीपाली नंदा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। मार्च सीरीज का शानदार आगाज, सेंसेक्स निफ्टी नई ऊंचाई पर बंद। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रही तेजी। फार्मा आईटी को छोड़कर सभी सेक्टर चढ़े। फरवरी में बम्पर टैक्स कलेक्शन जीएसटी 1.49 लाख करोड़ से बढ़कर 1.68 लाख करोड़ पर पहुंची। वहीं जीएसटी सेस 11,900 करोड़ रुपए से बढ़कर 12,800 करोड़ रुपए पर पहुंचा। फरवरी में अनुमान से अच्छे रहे ऑटो नंबर। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने पिछले साल के मुकाबले 40% ज्यादा बेची एसयूवी। बजाज ऑटो की बिक्री पिछले साल के मुकाबले 24% ज्यादा। अनंत राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी आज से। इवांका ट्रंप, अनिल अंबानी, आनंद महिंद्रा, सचिन, धोनी, आमिर, अक्षय से लेकर कई बॉलीवुड हस्तियां जामनगर पहुंची। WTO की बैठक में आखिरी समय तक आम सहमति बनाने की कोशिश। किसानों को आर्थिक मदद का मुद्दा गरमाया। कल भी जारी रह सकती है बैठक। चुनाव से पहले दौड़ेगी स्लीपर वंदे भारत। अप्रैल में ही लॉन्च करने का लक्ष्य। ICF को प्रोडक्शन में तेजी लाने के निर्देश। CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी तैयार। आज आ सकती है पहली लिस्ट। इधर झारखंड को पीएम मोदी से मिली 70,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अनंत और राधिका के प्री वेडिंग इवेंट के साथ। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी आज से शुरू हो गई है। ये सेलिब्रेशन 3 मार्च तक चलेगा। देश विदेश की जानी मानी हस्तियां जामनगर पहुंच रही हैं। सचिन तेंदुलकर, धोनी अपनी पत्नी साक्षी धोनी के साथ पहुंच गए हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप भी आज जामनगर पहुंची है। वहीं भूटान के राजा भी इस ग्रैंड इवेंट में शामिल होने के लिए जामनगर पहुंच चुके हैं। भूटान के राजा और इवांका का सेरेमोनियल वेलकम जामनगर में हुआ। गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया गया। अनंत राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए आमिर खान भी आज जामनगर पहुंचे हैं। इसके अलावा अगर दूसरे फिल्मी सितारों की बात की जाए तो इसमें अक्षय कुमार और जावेद जाफरी भी शामिल हैं। सलमान खान की भतीजी अलीजे, क्रिकेट इरफान पठान, ईशान किशन, ड्वेन ब्रावो पहुंच चुके हैं जामनगर। और आज जो मेहमान जामनगर पहुंचेंगे उनमें साइना नेहवाल, क्रिकेटर ट्रेंट बोल्ट और हरभजन सिंह की पत्नी गीता बसरा शामिल हैं। जामनगर में क्रिकेट और फिल्म के सितारों के साथ कॉरपोरेट जगत की नामचीन हस्तियां भी पहुंच रही हैं। इनमें अनिल अंबानी, M&M के आनंद महिंद्रा, आनंद पिरामल, DLF के KP सिंह, BP के पूर्व CEO बॉब डुडली, BP के CEO ओकिल क्लास और सुहेल सेठ शामिल हैं। साथ ही साथ सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आधार पूनावाला भी अपनी पत्नी नताशा पूनावाला के साथ जामनगर पहुंच चुके हैं। जामनगर एयरपोर्ट पर मेहमानों के स्वागत के लिए लोक संगीत और गुजरात की पहचान गरबा का प्रबंध किया गया है। गोधरा के पंचमहल से आए बहादुर गढ़वी अपनी टीम के साथ लोक संगीत पेश कर रहे हैं। खासतौर पर विदेशी मेहमान इन पर फिदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कलाकारों के साथ सेल्फी ले रहे हैं और साथ ही साथ इंस्टा वीडियो लेते हुए भी गुजराती गरबा को इंजॉय कर रहे हैं। बताइए अंबानी परिवार के लिए क्या तैयार किया है आपने? आज अंबानी परिवार में जो लग्न का अवसर आया है उसी अवसर में देश दुनिया से जो जाने माने हस्ती आ रही है, जो मेहमान आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए ये गुजराती लोक संगीत गाया जा रहा है। Hey!
आपने तस्वीरों में देखा कि गुजराती संगीत के साथ मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है। देश विदेश से दिग्गज मेहमान वहां पर पहुंच रहे हैं। तो क्या आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि अनंत और राधिका की प्री वेडिंग के लिए पूरी दुनिया को छोड़कर आखिर जामनगर को ही क्यों चुना गया? तो इसका जवाब दिया खुद अनंत अंबानी की माँ और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने। देखिए, चलिए अब बात करेंगे बाजार की। आज बाजार में तूफानी तेजी रही और इसी तेजी के साथ मार्च सीरीज का शानदार आगाज हुआ। सेंसेक्स निफ्टी नई ऊंचाई पर बंद हुए तो वहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी रही। सेंसेक्स 1245 अंक, निफ्टी 356 अंक और बैंक निफ्टी 1166 अंक चढ़कर बंद हुआ। आइए मार्केट का पूरा हाल समझते हैं सुमित से। तो सुमित, बताएं आज कौन से सेक्टर्स और शेयर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला? तो न्यूज़ फ्लोज इवेंटफुल डे था आज, तो उसका इम्पैक्ट और बाद में एक्सपायरी थी तो एक बढ़िया फ्लो MSCI का और अदरवाइज भी यहाँ पर बनते हुए दिखाई पड़े। निफ्टी के टॉप गेनर्स में आज अदानी समूह, अदानी इंटरप्राइजेस के 2% की तेजी, यहाँ अदानी पोर्ट 1.5% ऊपर रहा। इंडसइंड बैंक पूरे 2% ऊपर रहा। टाटा कंज्यूमर करीब करीब 1% 2% के आसपास तेजी यहाँ देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में हॉस्पिटल स्पेस से अपोलो हॉस्पिटल 4% नीचे लगातार दूसरा दिन, जब इक्वाली में एक्स राइट्स रहा यहाँ पर, एक्स बायबैक प्राइस जो था वो करीब बजाज ऑटो में 3.5% के आसपास, एलेंटीन फोर्टिक माइंट्री लगातार दूसरे दिन गिरावट, और आयशर मोटर्स करीब करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर देखने को मिली। इसके अलावा इन्फीबीम 9% ऊपर रहा। रतन इंडिया एंटरप्राइजेस 6.5% की तेजी, इंगरसॉल रैंड 7.5% ऊपर, एप्टस वैल्यू 7% की तेजी मिड कैप में यहाँ आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में KSB पंप नंबर्स के बाद 7% नीचे, रेनबो मेडिकल 5% नीचे, नेटवर्क 18% नीचे और TV18 5% नीचे। इसके अलावा कुछ PSU बैंक्स में आज गेनर जो बने उसमें यूनियन बैंक 4% की तेजी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 3% ऊपर, यूको बैंक 3% ऊपर और केनरा बैंक करीब करीब 3% के आसपास की खरीदारी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। बाजार में आखिर क्यों बनी हुई है तेज रफ्तार? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। चलिए अब ट्रेडर और निवेशकों के लिए काम की बात। कल शनिवार होने के बावजूद बाजार में 2 घंटे की ट्रेडिंग होगी। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं आशीष वर्मा के पास। तो आशीष जी, बताएं क्या है पूरी खबर? कल वो क्या है, आज फ्राइडे है लेकिन हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन नहीं। कल जैसे अर्जदा मेंशन कर रही, कामकाज होगा और दोनों एक्सचेंजेस BSE NSE कल स्पेशल लाइव ट्रेडिंग सेशन इक्विटी और FNO दोनों सेगमेंट के लिए कंडक्ट करेंगे। आइडिया बेसिकली है प्राइमरी साइट से डिजास्टर रिकवरी साइट पे उस लाइव सेशन में जाने का, और करा इसीलिए जा रहा है कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर्स वगैरह आए हो, आने हो
तो उसके लिए हम किस हद तक प्रिपेयर्ड हैं वो देख लिया जाए। मैं लाइव सेशन पे थ्रस्ट इसलिए डाल रहा था क्योंकि एक ध्यान रखिएगा बात कि कल जो भी ट्रेड्स होंगे वो सेटलमेंट ऑब्लिगेशंस की तरफ बढ़ेंगे, सौदे मतलब उसका इंपैक्ट पड़ेगा। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और है कल के सेशन के लिए। 5% की सर्किट लिमिट होगी सारे स्टॉक्स में, इंक्लूडिंग जो डेरिवेटिव्स में उनमें भी। जहां तक वायदा के कॉन्ट्रैक्ट्स की बात है, कल की ऑपरेटिंग रेंज 5% की है सारे वायदा कॉन्ट्रैक्ट्स की। और क्योंकि दो सेशंस में होगा, सॉरी मैं मिस आउट कर गया, दो सेशंस में कल का ट्रेड होना है। पहला सेशन 9:15 से 10 बजे तक होगा प्राइमरी साइड से, और जो दूसरा सेशन होगा वो डिजास्टर रिकवरी साइड से होगा 11:30 से 12:30 बजे तक। तो जो पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे ध्यान रखिए फर्स्ट सेशन के, वो सिस्टम से फ्लश आउट कर दिए जाएंगे, उसके बाद सेकेंड सेशन की शुरुआत होगी डिजास्टर रिकवरी साइड से। क्योंकि कल सैटरडे है, सेटलमेंट हॉलिडे है, कल के सारे ट्रेड्स ध्यान रखिएगा सेटल होंगे मंगलवार के दिन, और आज के जितने एफएनओ क्रेडिट्स हैं या इंट्राडे प्रॉफिट्स हैं वो आपके अकाउंट्स कल रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, वो अवेलेबल नहीं होंगे। फिंगर्स क्रॉस्ड स्मूथली निकल जाए कल का ये सेशन डिजास्टर रिकवरी साइड पे लाइव ट्रांजिशन, यही देखेंगे, बाकी आना तो पड़ेगा। खैर, एंजॉय करेंगे कल का दिन भी। शुक्रिया आशीष जी इस पूरे अपडेट के लिए, और अब आपको दिखाते हैं अबू धाबी से आवाज की स्पेशल रिपोर्ट। अबू धाबी में चल रही WTO की बैठक में आखिरी समय तक आम सहमति बनाने की कोशिश चल रही है। किसानों को आर्थिक मदद और अनाज एक्सपोर्ट के मुद्दे गर्म हैं। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास, जो कि अबू धाबी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो लक्ष्मण जी बताएं, क्या लग रहा है कि इस बैठक में कुछ अहम फैसला हो पाएगा? अबू धाबी में चल रही WTO की बैठक काफी रोमांचक दौर पर पहुंच चुकी है, और हालत यह है कि कोई भी देश अपने देश के हित के साथ 1% भी समझौता करने को तैयार नहीं है। फुल स्टॉप कॉमा तक पर यहाँ पे बहस हो रही है, और काफ़ी दिलचस्प है। अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कल देर रात तक 1:30-2 बजे रात तक बैठ के चलती रही, और फिर ये हुआ कि कल जो बैठक खत्म होनी थी WTO की, उसको एक दिन के लिए और आगे बढ़ा दिया गया, और कोशिश इस बात की है कि आज किसी तरीके से कुछ एक मुद्दे पर ही सही एक आम सहमति बना ली जाए। और ये मेजबान देश के लिए एक कह सकते हैं कि सम्मान का मुद्दा होता है कि हमारे देश में WTO की बैठक हो रही है और सहमति बन जाए, तो कोशिश यही की जा रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा मामला जहां फंस रहा है वो है एग्रीकल्चर सब्सिडी को लेकर के। किसानों को आर्थिक मदद दिया जाना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट चावल गेहूं जैसे प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाना या फिर ड्यूटी दिया जाना, उस पर कई देश आपस में बटे हुए हैं। भारत, यूरोप चाहता है कि सब्सिडी जारी रहे, उसमें किसी भी तरह की कोई कटौती ना हो। अमेरिका चाहता है कि नई सब्सिडी को कम करिए, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन जो पाबंदियां लगाई जाती है उसको आप कम करिए, धीरे धीरे हटाइए। लेकिन भारत इस मुद्दे पर थोड़े से भी समझौता करने को तैयार नहीं है, किसान के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहता है। यूरोप की भी यही हालत है, इसके पीछे एक राजनीतिक वजह भी है। यूरोप में भी किसान आंदोलन चरम पर है, भारत में किसान आंदोलन चल रहा है। चाहे यूरोप की बात करें या भारत की बात करें, दोनों देशों की सरकार चुनाव जाने वाली है, तो किसी भी मुद्दे पर थोड़े से भी जोखिम लेने को यहाँ पर तैयार नहीं है। और भारत ने अपनी दलीलों को तार्किक तरीके से रखा है कि जिस तरीके से सब्सिडी का आकलन पश्चिमी देश कर रहे हैं, अमेरिका कर रहा है, वो भारत को कतई वहाँ पे स्वीकार नहीं है, तो आकलन में बदलाव किया जाए। एग्रीकल्चर सब्सिडी के अलावा ई कॉमर्स पर ड्यूटी लगाने के ऊपर जो पाबंदी है उसको आगे बढ़ाए जाने के खिलाफ भारत है। WTO में रिफॉर्म किया जाए, इस पर भारत काफ़ी पुरजोर तरीके से अपनी बातें रख रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी बात पर सहमति नहीं बनी है। लेकिन अंतिम क्षण में भी सहमति बनने की संभावना बनी रहती है WTO की इस बैठक में जो अब चल रही है। शुक्रिया लक्ष्मण जी हमारे दर्शकों को ये पूरा अपडेट WTO से देने के लिए। और फिलहाल बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं वापस, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब खबर आपकी सेहत से जुड़ी हुई, क्योंकि जो बर्गर आप खाते हैं उसमें अक्सर चीज होता है, लेकिन वो चीज असली है या नकली? हाल ही में महाराष्ट्र में मैकडॉनल्ड्स पर हुई कार्रवाई के बाद ये सवाल सबके मन में है। फूड एक्सपर्ट की माने तो इसे लेकर नियम इतने जटिल हैं कि सिर्फ प्रोडक्ट का नाम बदलकर कंपनियां किसी भी जवाबदेही से बच सकती हैं। देखिए रिपोर्ट। बर्गर या पिज्जा में ओरिजिनल चीज के नाम पर चीज एनालॉग परोसा जा रहा है।
देश की सबसे बड़ी बर्गर चेन मैकडॉनल्ड्स पर महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जांच में सामने आया है कि चीज बर्गर में तो चीज ही नहीं है। चीज के बजाय जिस सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है उसे चीज एनालॉग कहते हैं। दिखने में ये असली चीज जैसे ही होते हैं, लेकिन ये डेयरी से नहीं आते, ये वनस्पति फैट और प्रोटीन को मिलाकर बनते हैं। अधिकतर चीज एनालॉग सोया, बादाम या अन्य वनस्पति के स्रोतों से आते हैं। फूड सेफ्टी कानून में इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना गलत नहीं है, लेकिन चूंकि ये डेयरी स्रोत से नहीं आए हैं, इसलिए इन्हें चीज या कोई और डेयरी नाम देना गैरकानूनी है। ये बताना जरूरी है कि चीज की जगह क्या सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा वसा और प्रोटीन की जानकारी भी देनी होती है। जानकारी छिपाने पर फूड लाइसेंस रद्द हो सकता है और सजा भी हो सकती है। FSSAI के कानून काफी क्लियर है कि ऐसे कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स या इमिटेशन प्रोडक्ट्स अगर हम यूज कर रहे हैं जो कि परमिसिबल है, मगर उनके नॉमेनक्लेचर यानी कि उनका उनके लिए जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो उनको नाम देते हैं, वो मिल्क या उनके ओरिजिनल प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। कंपनियां अब भी नाम बदलकर प्रोडक्ट बेचना जारी रख सकती हैं। जैसे मैकडॉनल्ड्स ने चीज नगेट्स का नाम बदलकर वेज नगेट्स कर दिया और चीज वेज बर्गर को डिलाइट वेज बर्गर कहना शुरू कर दिया। लेकिन इस मामले ने देश भर में उन प्रोडक्ट्स की जांच की मांग बढ़ा दी है जो चीज या डेयरी प्रोडक्ट्स के नाम पर कुछ और परोस रहे हैं। फूड रेगुलेटर फसाई भी एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। रोहन सिंह, दिल्ली। तो चलिए, अगली बार जब आप चीज बर्गर खाएं तो थोड़ा संभल कर मेरे साथ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं आपको बता देती हूं कि आज शाम कंज्यूमर अड्डा पर हम किस टॉपिक पर करने जा रहे हैं खास चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट हॉस्पिटल में मनमानी चार्ज वसूले जाने पर सख्त रुख अपना लिया है। क्या इससे इलाज का स्टैंडर्ड रेट तय हो जाएगा? इसी पर एक्सपर्ट के साथ करेंगे अहम चर्चा आज कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर।